गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग लेसन नंबर 9 आफ्टर एप्पल पिकिंग। दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट ली फॉस्ट। द पोएम इज रिटन अबाउट मेन्स एनकाउंटर विथ नेचुरल वर्ल्ड। इट इज रिटन इन 1914 एंड पब्लिश्ड इन इंग्लैंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट is an American poet. इन्हे Pulitzer Prize 4 बार मिला। इन poet wrote this poem with pictorial quality, means poem का चित्रण बहुत ही अच्छे से किया गया है। means इसमें आप जब poem को पढ़ रहे हैं तो उसके wordings के साथ में आप imagination भी कर पाएंगे, इसे pictorial quality कहते हैं। The theme of this poem is unfinished desire. The poem is written in free verse, means there is no rhyme scheme and meter. So let's start the poem after apple picking. My long two-pointed ladders sticking through a tree towards heaven still. And there is a barrel that I didn't fill beside it, and there may be two or three apples I didn't pick upon some boughs. पोएट कहते हैं कि मेरी दो पॉइंट वाली लैडर पेड़ से टिकी हुई है और ये बहुत ही ऊंचाई तक जा रही है। यहाँ पर इन्होंने ऊंचाई के लिए हेवन वर्ड का यूज़ किया है। और इस लैडर के पास में जो बैरल है, जो ड्रम है, वह अभी तक खाली है। जिन ब्रांचेस से मैं एप्पल तोड़ रहा हूँ, उन एप्पल पर दो तीन एप्पल अभी भी लगे हुए हैं जिन्हें मैं नहीं तोड़ रहा हूँ। बट आई एम डन विथ एप्पल पिकिंग नाउ। एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट। द एसेंस ऑफ एप्पल्स आई एम ड्रॉजिंग ऑफ। आई कैन नॉट रब द स्टेंचनेस फ्रॉम माई साइट। कवि कहते हैं कि इस काम से, मतलब एप्पल पेड़ से उतारने वाले काम से, मैं थक चुका हूँ और अब मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ। रात का समय है, सर्दियों की रात है और नींद आ रही है। एप्पल की खुशबू से मुझे नींद गहरी आ रही है, पर मेरी आँखों के सामने जो स्ट्रेंचनेस आ रही है नींद के कारण, मैं अपनी आँखों को रब करके उस स्ट्रेंचनेस को हटा नहीं सकता। I got from looking through a pane of glass. I skimmed this morning from the drinking trough and held against the world of hoary grass. It melted and I let it fall and break. कवि कहते हैं कि सर्दियों की रातें हैं और पीने के पानी का जो कंटेनर है उस पर एक ग्लास की शीट, पानी जमने के बाद जो बर्फ़ जम जाती है, बर्फ़ की जो शीट रहती है उसे कवि ने यहाँ पर ग्लास की शीट कहा गया है। तो उस ग्लास की शीट को कवि ने कंटेनर से हटाया और उसे हौरी ग्रास, यानि जो फ्रॉस्टेड कवर ग्रास थी, उस पर उस शीट को रख दिया। तो उस शीट को जैसे ही उसने ग्रास पर रखा, वह पिघल गई और टूट गई। और कवि कहते हैं कि मैंने उसे पिघलने दिया और टूटने दिया। बट I was well upon my way to sleep before it fell, and I could tell what form my dreaming was about to take. अब यहाँ कवि कुछ देर के लिए नींद में जाते हैं और ये सब सपना देखते हैं, किंतु पुनः नींद से बाहर आ जाते हैं और पोएट कहते हैं कि अब मुझे सपने में क्या दिखाई देने वाला है ये मैं बता सकता हूँ। मैग्नीफाइड एप्पल्स अपीयर एंड डिसअपीयर, स्टेम एंड ब्लॉसम एंड एवरी फ्लेक ऑफ रसेट शोइंग क्लियर। कवि कहते हैं कि मुझे सपने में मैग्नीफाइड एप्पल्स, मीन्स बड़े आकार के एप्पल्स, कभी दिखाई देते हैं और कभी गायब हो जाते हैं। मुझे शाखा के एंड से
स्टेम के एंड से ब्लॉसम के एंड तक एप्पल ही एप्पल दिखाई दे रहे हैं। मैंने एप्पल के लाल कलर के धब्बों को भी क्लियर देखा है। माय इनस्टेप आर्क नॉट ओनली कीप्स द एग, इट कीप्स द प्रेशर ऑफ अ लैडर राउंड। आई फील द लैडर स्वे एज द बो बेंड। पोएट कहते हैं कि माय इनस्टेप आर्क नॉट ओनली कीप द एग, यहाँ पर इनस्टेप का मतलब होता है पैरों की एड़ी और पंजे के बीच का जो प्लेस होता है उसे इनस्टेप आर्क कहते हैं। तो पोएट कहते हैं कि मेरा इनस्टेप आर्क ना केवल दर्द कर रहा है बल्कि लैडर पर पूरा प्रेशर जो पड़ रहा है वो मेरे पैरों पर महसूस भी मुझे हो रहा है, और वह लैडर जब भी मैं किसी बो से एप्पल को तोड़ने के लिए झुकता हूँ तो मेरे झुकने के साथ जो लैडर है वह भी मेरे झुकने के साथ ही लैडर भी झुक रही है। एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम द सेलर बिन द रैम्बलिंग साउंड ऑफ लोड ऑन लोड ऑफ एप्पल्स कमिंग इन, फॉर आई हैव हैड टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग। आई एम ओवर टायर्ड ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट आई माई सेल्फ डिज़ायर्ड। कवि कहते हैं कि सेलर बिन में जो एप्पल्स रखा रहे हैं, जिन एप्पल्स को हम सेलर बिन में रख रहे हैं, उनके एप्पल के लुढ़कने की आवाज़ मैं यहाँ तक सुन रहा हूँ, और ऑफलोड ऑन लोड ऑफ एप्पल कमिंग इन, इतने सारे एप्पल जो मैंने अभी तक तोड़े हैं उन एप्पल के तोड़ने से मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, जबकि इन एप्पल के लिए ही मैंने खुद ही डिज़ायर की थी कि मुझे इतने सारे एप्पल की बम्पर हार्वेस्ट हो। देयर वर 10,000 फ्रूट्स टू टच, चेरिश इन हैंड, लिफ्ट डाउन एंड नॉट लेट फॉल, फॉर ऑल दैट स्टक द अर्थ, नो मैटर इफ नॉट ब्रूइश्ड और स्पिक्ड विथ स्टेबल, वेंट श्योरली टू द साइडर एप्पल हीप एज ऑफ नो वर्थ। पोएट कह रहे हैं कि इतने सारे एप्पल पिक करने के बाद भी अभी भी थाउजेंड्स एप्पल्स मुझे तोड़ना शेष हैं, और इतने एप्पल्स को तोड़ते हुए मैं थक गया हूँ। अभी उन एप्पल्स को मुझे हाथ में लेना है, मीन्स तोड़ना है, पेड़ से नीचे लाना है, पर नीचे नहीं गिरने देना है, क्योंकि इन एप्पल्स को मैं नीचे नहीं फेंक सकता हूँ, क्योंकि नीचे यदि फेंका तो ये सेब ख़राब हो जाएंगे, और चाहे वो एप्पल पर दाग लगे हों फिर भी उन एप्पल को मुझे धीरे से उतारना है, क्योंकि यदि वह एप्पल यदि कट जाता है या चुभ जाता है या स्टबल से टकरा जाता है, मीन्स खूंटी से टकरा जाता है, तो वह एप्पल साइडर एप्पल के हीप में चले जाएंगे। मीन्स साइडर एप्पल हीप मीन्स ऐसा एक एप्पल का एप्पल का एक ऐसा ढेर जिसमें ख़राब एप्पल को इकट्ठा किया जाता है और जिस उन एप्पल का केवल जूस ही निकाला जाता है। तो पोएट का कहना है कि यदि साइडर एप्पल में चले जाएंगे तो वह किसी काम में नहीं आएंगे और उनकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। वन कैन सी व्हाट विल ट्रबल दिस स्लीप ऑफ माइन, व्हाट एवर स्लीप इट इज, वर ही नॉट गोन द वुड चक कुड से वेदर इट इज लाइक हिज लॉन्ग स्लीप एज आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप। पोएट कहते हैं कि इन सब काम को करके अब मुझे नींद आ रही है, और वह नींद भी बहुत गहरी नींद है। यदि यहाँ पर वुड चक होता, यहाँ पर देखिए वर ही का यूज़ किया गया है, तो जब भी हम वर का यूज़ करते हैं चाहे वो सिंगुलर के लिए हो या प्लूरल के लिए हो, ये माना जाता है कि वहाँ पर इमेजिनेशन किया गया है। तो पोएट कहते हैं
कि यदि यहाँ पर वुडचक होता तो वह यह बताता कि यह उसके जैसी लंबी नींद है या फिर एक साधारण इंसान की नींद जो कि आराम के लिए की जाती है। सो स्टूडेंट्स, पोयम एंड्स हियर। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस पोयम, यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइम।